नमस्कार डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपको फिर से एक ग्रीटिंग कार्ड की तरकीब सिखाऊंगी, जिसमें मैंने ये छोटा सा लिफाफा लगाया है। ये बहुत ही आसान है करने के लिए। और अगर मैंने इस लिफाफे को यहाँ पे बंद किया है, ये अगर लिफाफा आप खोल दें तो उसमें मैंने कुछ लिखा है, ऑल इज़ गुड यानी ऑल द बेस्ट लिखा है। और इस तरीके से इस दिल को मैंने यहाँ पे लिफाफे के तौर पर चिपकाया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये है ग्रीटिंग कार्ड के लिए गत्ते जैसा पेपर। आप यहाँ पे डिज़ाइन का है, बट आप कौन से भी एक रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये है एक चौकोनी कागज़, आप कौन सा भी ले सकते हैं और उसे बाद में काट सकते हैं, छोटा या बड़ा, किसी भी रंग का जो चाहे आपको। फिर गोंद है मेरे पास चिपकाने के लिए, यह है यहाँ पे लिखने के लिए। स्केच पेन ले सकते हैं आप, ये है स्टिकर सजाने के लिए और फिर लिफाफा बंद करने के लिए, और ये है मेरी कैंची। तो ये जो है इसको मैंने इस तरीके से मोड़ दिया कागज़ को दो हिस्सों में। और अब इस कागज़ से मुझे दिल का आकार बनाना है, तो मैं इस तरीके से उसको एक ही बाजू से काटूंगी, तो फिर मैं उसको जब खोलूंगी तब पूरा दिल उसमें से हो जाएगा। तो मैं दिल का आकार काटती हूँ। ये देखिए, ये दिल का आकार ऐसे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से काट देती हूँ फिर से। आप जैसे चाहे वैसे आकार थोड़ा सा बाद में काट सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा दिल तैयार। अब मैं उसको मोड़ दूंगी। और ये कैसे मोड़ना है अच्छी तरीके से देखिए। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला गोल वाला, ये आपको ये आप ख्याल रखिए कि जब आप मोड़ सीधा हो, जो नीचे का हिस्सा है इससे वो सीधा बिल्कुल लगे। तो ये मोड़ दिया मैंने, ये ऐसे दिखेगा। अब इसको खोल दिया, देखिए ये ऐसा है, और इसे इसको फिर से खोल दिया। तो अब जो दोनों भी ये हिस्से हैं वो मैं अंदर की बाजू मोड़ दूंगी और इधर से भी। जी हाँ, मोड़ने के बाद अच्छी तरीके से उसको दबा दीजिए। अब मैं उसको उल्टा करके ये जो है ऊपर एक नोक है, पर मैंने नीचे के दोनों बाजू मोड़ दी है। मैंने मोड़ा है ये देखिए यहाँ तक, जहाँ पे ये है नोक, और यहाँ तक मैंने उसको मोड़ दिया है। अब ये जो है ये इसको इस तरीके से मोड़ दिया, तो ये देखिए मेरा लिफाफा हो गया तैयार। जी हाँ, इसको अब खोलिए। मैं यहाँ पे खोल के कुछ लिखना चाहूँगी, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल इज़ गुड, मतलब ऑल द बेस्ट। और सजाने के लिए मैं ये स्टिकर्स भी यहाँ पे लगा दूँगी। और नीले पेन से लिखा है तो एक नीला स्टिकर भी लगाया। तो ये अब जैसा था वैसे फिर से मैंने मोड़ दिया है एक बार, तो फिर से ये देखिए मोड़ दिया। अब ये लिफाफा फिर से तैयार हो गया है। और फिर से उस इस लिफाफे को बंद करने के लिए मैंने ये स्टिकर लगा दिया। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा छोटा सा लिफाफा तैयार, जो मैं अपने ग्रीटिंग कार्ड पर लगा दूंगी। इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दूंगी। जी हाँ, तो ये हो गया मेरा ग्रीटिंग कार्ड तैयार। अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टिकर को खोलेंगे, हल्के से उल्टा करेंगे फिर से एक बार, और इस तरीके से खोल देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही एक अच्छी सी तरकीब है ये ग्रीटिंग कार्ड के लिए। चाहे किसी
कि आ जाना, या आप एक ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। मुझे बताइए आपको ये वीडियो और ये तरकीब कैसे लगी, लाइक कीजिए, कमेंट्स में आपके अगर प्रश्न हो, कुछ भी सवाल हो तो ज़रूर लिखिए। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।